नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जरूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। तो आइए, आज हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल नर्सिंग की यूनिट 9th एबनॉर्मल प्यूपेरियम के बारे में बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। व्हाट इज़ द एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्यूपेरियम इन स्लाइड नंबर 6। व्हाट इज़ द प्यूपेरियल सेप्सिस इन स्लाइड नंबर 7। व्हाट इज़ फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्यूपेरियल सेप्सिस इन स्लाइड नंबर 10। Enlist the predisposing factor of puerperal sepsis in slide number 13. Describe the mode of infection of puerperal sepsis in slide number 17. Describe the symptoms of puerperal sepsis in slide number 19. Describe the investigation of puerperal sepsis in slide number 24. Describe the prophylaxis of puerperal sepsis in slide number 29. Describe the treatment of puerperal sepsis in slide number 31. Describe the complication of puerperal sepsis in slide number 36. What is puerperal pyrexia in slide number 38. Describe the causes of puerperal pyrexia in slide number 41. Describe the management of puerperal pyrexia in slide number 43. तो चलिए अब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्यूपेरियम या एबनॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है या प्यूपेरियल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ए प्यूपेरियल डिसऑर्डर और पोस्टपार्टम डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर विच प्रेजेंट प्राइमरली ड्यूरिंग द प्यूपेरियम और पोस्टपार्टम पीरियड। द पोस्टपार्टम पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इनिशियल और एक्यूट फेज 6-12 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, सब अक्यूट पोस्टपार्टम पीरियड विच कंसिस्ट 2-6 वीक एंड द डिलेड पोस्टपार्टम पीरियड विच कैन लास्ट अप टू 6 मंथ। प्यूपेरियल डिसऑर्डर या प्यूपेरियल पोस्टपार्टम डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्यूपेरियम के जो टाइम पीरियड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं या पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्यूपेरियम का जो टाइम पीरियड होता है वो डिलीवरी के बाद वाला टाइम पीरियड होता है, वहाँ से लेके और 6 वीक तक का जो लास्ट 6 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो प्यूपेरियम का टाइम पीरियड कहलाता है। तो जो प्यूपेरियम पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो मेनली हमने 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। अक्यूट फेज जो कि 6-12 घंटे की फेज होती है, सब एक्यूट पोस्टपार्टम जो कि 2-6 वीक की फेज होती है, और डिलेड पोस्टपार्टम होता है जो कि लास्ट 6 मंथ तक होता है। इन द सब अक्यूट पोस्टपार्टम पीरियड 87% to 94% ऑफ वुमन रिपोर्ट एटलीस्ट वन हेल्थ प्रॉब्लम। 87% से 94% जो वुमन्स होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट आफ्टर डिलेड पोस्टपार्टम पीरियड आर रिपोर्टेड बाय 31% ऑफ वुमन। और जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर वो ओनली 31% वुमन्स के अंदर देखने को अपने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस या फिर प्यूपेरियल इन्फेक्शन क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है पोस्ट प्यूपेरियम का। इसको देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज टर्म प्यूपेरियल सेप्सिस। डिलीवरी के बाद जेनाइटल ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी जो है वो प्यूपेरियल सेप्सिस कहलाता है। प्यूपेरियल इन्फेक्शन अकर व्हेन बैक्टीरिया इन्फेक्ट द यूट्रस एंड सराउंडिंग एरिया आफ्टर ए वुमन गिव्स बर्थ। इट इज आल्सो नोन एज पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। प्यूपेरियल इन्फेक्शन जब यूट्रस या उसके जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं वुमन उस जब बेबी को बर्थ देती है उसके बाद बैक्टीरिया वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। प्यूपेरियल सेप्सिस इज वन ऑफ द 5 लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड एंड अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ्स। प्यूपेरियल सेप्सिस जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी वन ऑफ द 5 लीडिंग कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी का,
और ये 15% जो केसेस हैं इसकी वजह से मैटरनल डेथ हो जाती है। प्यूपेरियल इन्फेक्शन कैन कॉज पुअर हेल्थ एंड स्लो रिकवरी फ्रॉम डिलीवरिंग बेबी। प्यूपेरियल इन्फेक्शन की वजह से डिलीवरी के बाद मदर की जो रिकवरी है वो धीरे हो जाती है और उसकी जो हेल्थ है वो पुअर हो जाती है। मॉर्टिलिटी रेट्स आर थॉट टू बी हायर इन एरियाज दैट लैक प्रॉपर सैनिटेशन। और जो मॉर्टिलिटी जो रेट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देयर हैज़ बीन मार्क्ड डिक्लाइन इन प्यूपेरियल सेप्सिस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर ड्यू टू इम्प्रूव ऑब्स्ट्रक्टिव केयर। Availability of wider range of antibiotics is a potential complication of postpartum infection. Puerperal sepsis की वजह से पिछले कुछ सालों में जो maternal death हो रही थी उनके जो ratio हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जो antibiotics हैं वो available हो रही हैं। यहाँ एक question दिया गया है, an infection of puerperal infection is an infection in the perineum of postpartum woman, an infection in the genital tract of postpartum woman, an infection in the bladder of postpartum woman, an infection in the uterus of woman. तो इसका सही आंसर है an infection in the genital tract of postpartum woman. इसके लिए आप स्लाइड नंबर 8 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्यूपेरियल इन्फेक्शन। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनमें प्यूपेरियल इन्फेक्शन होता है। The vaginal flora in late pregnancy and during labor consists of the following organism: Dendrolin bacillus, yeast-like fungus, increased prevalence of Candida albicans, Staphylococcus albicus, Staphylococcus aureus, Streptococcus E. coli, Clostridium belgae on occasions. Normally, late pregnancy में या labor के time पर ये कुछ organism हैं जो बैक्टीरियाज हैं जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिमेन डोरमेंट एंड आर हार्मलेस ड्यूरिंग डिलीवरी कंडक्टेड इन असेप्टिक कंडीशन। अगर डिलीवरी बहुत असेप्टिक कंडीशंस के अंदर कंडक्ट करी जाती है, सारे स्टरलाइज प्रोसीजर्स यूज में लिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डोमिनेट नहीं होते और हार्मलेस रहते हैं डिलीवरी के टाइम पे। However, the following condition favor the development of sepsis in the puerperal woman. लेकिन फिर भी कुछ ऐसी conditions होती हैं जिनमें कि infections होने के chances बढ़ जाते हैं puerperium के time पे। Damage to the cervicovaginal mucosa membrane, जब cervicovaginal mucosa membrane damage होती है। Open wound created by the cleavage of the decidua which take place when the placenta is separated, placental side, जिस side से placenta uterus की लेयर से सेपरेट होता है, तो वहाँ पे अगर कोई ओपन वुंड है तो उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए मीडियम या स्पेस मिल जाता है। द ब्लड क्लॉट एट द प्लेसेंटल साइट आर एन एक्सीलेंट मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर किस प्लेसेंटल साइट पे कोई भी ब्लड क्लॉट रिमेन रह गया है तो वो भी बैक्टीरियाज के ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट मीडिया का काम करता है। अगर ऐसी इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है तो उस कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाते हैं और जिसकी वजह से प्यूपेरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फॉर डेवलपिंग एन इन्फेक्शन आफ्टर डिलीवरी इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज टू डिलीवर बेबी। रिस्क फॉर डेवलपिंग द इन्फेक्शन, डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो डिफरेंट मेथड, किस मेथड के द्वारा डिलीवरी की गई है उस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट an infection is 1-3% in normal vaginal delivery, 5-15% in scheduled cesarean delivery performed before labor begins, 15-20% in non-scheduled cesarean deliveries performed after labor begins. अगर normal vaginal delivery conduct हो रही है तो उस time पर infection होने के chances 1-3% रहेंगे। अगर scheduled cesarean section परफॉर्म किया जा रहा है लेबर शुरू होने से पहले, तो उस कंडीशन में 5-15% तक चांसेस हैं कि प्यूपेरियल इन्फेक्शन हो सकता है। 15-20% चांसेस हैं अगर नॉन शेड्यूल सिजेरियन डिलीवरी जो है वो परफॉर्म कराई जा रही है। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर, एंटीपार्टम फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्यूपेरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं।
फर्स्ट वन इज़ एंटीपार्टम फैक्टर, इसके अंदर है माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। अगर मदर माल न्यूट्रिशन है या एनीमिया वाली कंडीशन के अंदर है तो प्यूपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। प्री एक्लेम्शिया, अगर मदर जो है प्री एक्लेम्शिया है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म लेबर, प्रोलोंग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर, अगर जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पहले ही रप्चर हो गई है, 18 घंटे से पहले रप्चर हो गई है, ज़्यादा टाइम हो गया है मेम्ब्रेन रप्चर हुए, तो उस टाइम पे भी चांसेस हैं कि प्यूपेरियल सेप्सिस या प्यूपेरियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक डायबिलेटिंग इलनेस, अगर मदर जो है डायबिटीज़ है, क्रोनिक इलनेस है उसको, तो उस कंडीशन के अंदर भी चांसेस हैं कि मदर को प्यूपेरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्सुअली इंटरकोर्स ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है और उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उस टाइम में भी चांसेस हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सेकेंड वन इज इंट्रापार्टम फैक्टर। इंट्रापार्टम फैक्टर्स में जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द अपर जेनिटल ट्रैक ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन स्पेशली आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग मैनिपुलेटिव डिलीवरीज। जब इंट्रापार्टम टाइम पीरियड के अंदर, डिलीवरी के टाइम पीरियड के अंदर जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं हम, तो उस टाइम पे चांसेस हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपर जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाए, स्पेशली आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग मैनिपुलेटिव डिलीवरीज। जब मैनिपुलेटिव डिलीवरीज कराई जा रही हैं, कोई भी मैनिपुलेशन या मैनूवर काम में लिया जा रहा है, तो उस टाइम पे चांसेस हैं, और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उस टाइम पे चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जो है वो अपर जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाए और प्यूपेरियल सेप्सिस कॉज करे पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर। सेकेंड वन इज डिहाइड्रेशन एंड कीटो एसिडोसिस ड्यूरिंग लेबर। अगर मदर प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन में है तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लेबर की जो सेकंड स्टेज है वो बहुत लंबी चलेगी, मोर देन 18 आवर, तो उस कंडीशन में मदर धीरे धीरे डिहाइड्रेशन और कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन के अंदर भी चली जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर प्यूपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ट्रॉमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम पे कोई भी ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई भी ऑपरेटिव डिलीवरी यूज़ में ली जा रही अपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी चांसेस हैं कि पोस्टपार्टम सेप्सिस होने के चांसेस हैं। हेमोरेज एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम, अगर एंटीपार्टम हेमोरेज हुआ है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा रप्शिया वाली कोई कंडीशन हुई है या पोस्टपार्टम में हेमोरेज हुआ है तो उस टाइम पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन, जब थर्ड स्टेज में प्रॉपर तरीके से जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरीके से एक्सपल्ड आउट नहीं हो पाता, प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का कोई पार्ट या मेम्ब्रेन का कोई पार्ट अगर यूटराइन कैविटी के अंदर रह जाता है तो उस टाइम पे भी चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि अब हमने देखा था कि अगर ब्लड क्लोट्स रह जाते हैं तो वो भी एक मीडिएटर का या मीडियम का काम करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर भी पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटल साइट लाइंग क्लोज टू द वेजाइना, अगर प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन है और प्लेसेंटा जो साइट है वो वेजाइना के पास ही है तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से प्लेसेंटल साइट तक पहुंच जाएगा और जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियाज को वो मीडियम मिल जाएगा, ब्लड या जो सफिशियंट उनको मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी के अंदर एक ओपन वुंड होता है कई बार, तो उस कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए मीडियम मिल जाएगा और बैक्टीरियल ग्रोथ करेंगे और प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म अगर अवेलेबल हैं तो उसका अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर प्यूपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एरोबिक के अंदर स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस, इकोलाई, कैल्बिसेला, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस एरियूस, नॉन हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इनमें से कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर प्यूपेरियल सेप्सिस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज एनारोबिक, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्जाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैक्टीरियोइड्स, अगर ये प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी प्यूपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, तो इसके अंदर फर्स्ट है एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द जेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है,
प्रेजेंट इन द जेनाइटल ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी. जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है डिलीवरी से पहले ही, जैसे कि एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस जो कि प्रीडोमिनेंट पैथोजन होता है. नेक्स्ट वन इज ऑटोजन्स. ऑटो जो इन्फेक्शन है वो ऑटोजिनस भी हो सकता है. इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एल्सवेयर इन द बॉडी माइग्रेट टू द जेनाइटल ऑर्गन. जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं अदर देन जेनाइटल ऑर्गन्स के अलावा, जैसे कि स्किन में हो गया या थ्रोट पे हो गया या बॉडी पे, और वो माइग्रेट करके वहाँ उस जगह से माइग्रेट करके जेनाइटल ऑर्गन्स तक पहुँच जाएंगे बाई द ब्लड स्ट्रीम के द्वारा या फिर पेशेंट के खुद के द्वारा. तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे प्यूपेरियल इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है. थर्ड वन इज एक्सोजीनस. एक्सोजीनस का मतलब है इन्फेक्शन इज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द क्लाइंट. जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट के अंदर पेशेंट की बॉडी से बाहर से आता है, या तो जैसे कि हॉस्पिटल से उसको इन्फेक्शन हुआ या जो भी अटेंडेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन हुआ है. इसमें जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलाइटिकस इन्फेक्शन हो गया, स्टेफाइलोकोकस इकोलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो तीन तरीके से इन्फेक्शन का जो मोड है वो है एंडोजीनस, ऑटोजीनस एंड एक्सोजीनस. नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज लोकल इन्फेक्शन. लोकल इन्फेक्शन के अंदर स्लाइट राइज ऑफ द टेम्परेचर, जनरलाइज मलेज एंड हेडेक. लोकल इन्फेक्शन अगर होता है तो थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, हेडेक रहेगा, मलेज रहेगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ लोकल वुंड. कोई अगर कोई ओपन वुंड है तो वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग दिखाई देगी. पस में फॉर्म विच लीड्स टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द वुंड. पस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा अगर जो वुंड है वो डिस्ट्रप्ट हो चुका है तो. यूटराइन इन्फेक्शन. यूटराइन इन्फेक्शन के अंदर माइल्ड इन्फेक्शन, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो पायरेक्सिया ऑफ वेरिएबल डिग्री एंड टैकीकार्डिया. पायरेक्सिया शो होएगा, टैकीकार्डिया शो होएगा. रेड कॉर्पस एंड ऑफेंसिव लोचिया. रेड कॉर्पस और लोचिया जो है वो रेड रहेगा, कॉर्पस रहेगा और ऑफेंसिव स्मेल ही रहेगा. सब इन्वॉल्यूटेड टेंडर एंड सॉफ्ट यूट्रस. जो यूट्रस है वो सब इन्वॉल्यूटेड रहेगा और उसके अंदर इन्वॉल्यूशन नहीं होएगा, टेंडर रहेगा और सॉफ्ट रहेगा. अगर इन्फेक्शन यूट्राइन इन्फेक्शन सीवियर है तो उस कंडीशन के अंदर फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, रैपिड पल्स रेट बढ़ जाएगी, स्कैंटी ऑर्डर प्लस लोचिया, सब इन्वॉल्यूटेड यूट्रस टेंडरस एंड सॉफ्टर. जो यूट्रस है वो सब इन्वॉल्यूटेड रहेगा, टेंडर और सॉफ्ट रहेगा. नेक्स्ट वन इज स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा यूटराइन इन्फेक्शन. जैसे कि अगर इन्फेक्शन यूट्रस से भी बाहर फैल चुका है या एक्स्ट्रा यूटराइन इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी. इसमें फर्स्ट है पैरामेट्राइटिस. पैरामेट्राइटिस के अंदर सस्टेंड राइज ऑफ टेम्परेचर 7th to 10th डे. जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस बढ़ा हुआ रहेगा, इवन कि पोस्ट प्यूपेरियम पीरियड के 7 से 10 दिन के अंदर तक भी. कॉन्स्टेंट पेल्विक पेन. पेल्विक पेन रहेगा. टेंडरनेस ऑन आइदर साइड ऑफ हाइपोगैस्ट्रियम. टेंडरनेस रहेगी हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर. यूनिलेटरल टेंडर मास फेल्ट ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन. टेंडरनेस फील होएगी, टेंडर मास फील होएगा वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पे, और ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा पैरामेट्राइटिस के अंदर. नेक्स्ट वन इज पेल्विक पेरिटोनाइटिस. पेल्विक पेरिटोनाइटिस के अंदर पायरेक्सिया विथ इंक्रीज्ड पल्स रेट. पायरेक्सिया देखने को मिलेगा, फीवर मिलेगा, पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी. ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस ऑफ फॉर्निक्स एंड विद द मूवमेंट ऑफ सर्विक्स. जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो फॉर्निक्स वाला जो पोर्शन है वहाँ टेंडरनेस फील होगी और सर्विक्स जो है वो मूवमेंट उसमें फील होएगा. कलेक्शन ऑफ पस इन द पाउच ऑफ डगलस. और कई बार अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर डगलस पाउच के अंदर भी पस देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट वन इज जनरल पेरिटोनाइटिस. जनरल पेरिटोनाइटिस के अंदर हाई फीवर विद रैपिड पल्स, वॉमिटिंग, टेंडर एंड डिस्टेंडेड एब्डोमन. थ्रोम्बोफेलिबाइटिस वाली कंडीशन है तो उसमें स्विंगिंग टेम्परेचर विद चिल्स एंड राइगर. जो टेम्परेचर वो अप डाउन होता रहेगा चिल्स और राइगर के साथ. फीचर्स ऑफ पाइमिया अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स इन्वॉल्व. और पाइमिया के जो इन फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. उसमें भी जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वहाँ पे पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज सेप्टिसीमिया. हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद राइगर. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, राइगर रहेगा, रैपिड पल्स, हेडेक, इंसोमनिया, मेंटल कन्फ्यूजन. सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ मेटास्टेटिक इन्फेक्शन इन द लंग्स, मीनिंग्स एंड
meninges and the joints. Next one is investigation. The principal investigation are to locate the site of infection. जब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो मेनली तीन प्रिंसिपलों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. सबसे पहला होगा कि लोकेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है. एंड टू असेस द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, और असेस करेंगे कि जो डिजीज़ कंडीशन हुई है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी सीवियरिटी क्या है. तो ये तीन प्रिंसिपल मेनली हम ध्यान में रखेंगे जब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो फर्स्ट है हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर एंटीनेटल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, एंटीपार्टम हिमोरेज, प्रेजेंस ऑफ सेप्टिक फोकाई एंड एनी डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, यूटीआई शुड बी इंक्वायर्ड. एंटीनेटल हिस्ट्री मदर की असेस करेंगे कि मदर को एंटीनेटल टाइम पीरियड के अंदर एनीमिया तो नहीं था, या फिर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, या फिर कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस या यूटीआई बार बार तो नहीं हो रहा था. तो ये सारी एंटीनेटल हिस्ट्री मदर की हम असेस करेंगे. इंट्रानेटल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, ड्यूरेशन ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ लेबर, मेथड ऑफ डिलीवरी एंड एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. इंट्रानेटल हिस्ट्री या डिलीवरी के टाइम पीरियड पे की हिस्ट्री हम देखेंगे. उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, कि प्रीटर्म लेबर तो नहीं था जो 37 वीक से पहले तो लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो गई थी, या फिर जो मेम्ब्रेन का रप्चर है वो कितने रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो कितनी ड्यूरेशन की थी, कितने टाइम पहले ही लेबर की प्रोग्रेस या लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से कितने टाइम पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी. नंबर ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन, कितनी बार उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया था. ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोसेस है वो कितने घंटे चली थी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर वाली कंडीशन तो नहीं थी, किस तरीके से डिलीवरी की गई है, मेथड ऑफ डिलीवरी क्या था, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू करी गई थी या कोई ऑपरेटिव डिलीवरी करी गई थी, या फिर सीजेरियन सेक्शन है, या फिर एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन तो काम में नहीं लिया गया था तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं फैल गया. तो ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे. पोस्टमार्टम डिटेल्स, डिटेल रिगार्डिंग नेचर ऑफ फीवर, एसोसिएटेड सिम्टम्स विद एनी लीजन. तो पोस्टमार्टम के बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे कि फीवर किस टाइप का फीवर आ रहा है और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन या कोई ओपन वुंड तो नहीं है. सेकेंड वन इज़ क्लिनिकल एग्जामिनेशन. इसमें वाइटल्स चेक, द पल्स टेम्परेचर एंड नेक स्टिफनेस, वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे. सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन के अंदर सिस्टम एग्जामिनेशन लाइक थॉट, ब्रेस्ट, लंग, हार्ट, लिवर, स्प्लीन एंड लंग्स, पूरा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन उसका करेंगे. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू चेक इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, वेदर टेंडर और एनी एब्सेस. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि यूट्रस इन्वॉल्यूटेड तो नहीं है, वहाँ पे टेंडरनेस है या फिर किसी भी तरीके का कोई एब्सेस प्रेजेंस है. इंटरनल एग्जामिनेशन इंक्लूड लोचिया, कैरेक्टर कंडीशन ऑफ पेरिनियल वुंड, पेल्विक एब्सेस. इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें लोचिया का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पेरिनियल वुंड अगर है तो वो हम देखेंगे, पेल्विक एब्सेस अगर है तो वो उसको अपन असेस करेंगे, उसकी कंडीशन कैसी है, वहाँ पे वुंड पे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. लिम्स लेग्स आर एग्जामिन्ड, और फोर्थ थ्रोम्बोफेलिबाइटिस और थ्रोम्बस. लेग्स का हम एग्जामिनेशन करेंगे कि थ्रोम्बोफेलिबाइटिस तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर वेजाइनल एंड एंडो सर्वाइकल स्वैब, यूटेराइन यूरिन कल्चर, सीबीसी ब्लड कल्चर, ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, एक्सरे टेस्ट एंड पेल्विक यूएससी, ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करके देखेंगे. इसके बाद है प्रोफाइल एक्सिस. एंटीनेटल प्रोफाइल एक्सिस के अंदर जब एंटीनेटल टाइम पीरियड होगा तो हम किस तरीके से उसको बचा सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हम काम में लेंगे. तो उसमें फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. मदर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव करके रखेंगे हम एंटीनेटल टाइम पीरियड में ही. मदर को एनीमिया नहीं होना चाहिए, माल नरिश्ड मदर नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर अच्छा गुड न्यूट्रिशन देंगे ताकि उसका एनीमिया नहीं हो और उसका जो न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो और वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके. इरेडिकेशन ऑफ एनी सेप्टिक फोकाई, अगर किसी भी तरीके का कोई सेप्टिक फोकाई है तो उसका अपन इरेडिकेशन कर देंगे एंटीनेटल टाइम पीरियड के अंदर ही, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर देंगे. इंट्रानेटल फुल सर्जिकल असेप्सिस ड्यूरिंग डिलीवरी, पूरी तरीके से सर्जिकल असेप्सिस यूज़ करेंगे हम डिलीवरी के टाइम पे. जो भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स काम में आ रहे हैं वो पूरी तरीके से स्टराइल होने चाहिए. जो भी पर्सन अटेंड कर रहा है लेबर को, डिलीवरी प्रोसेस को, तो सब लोग हाइजीन तरीके से लेबर को या डिलीवरी प्रोसेस को अटेंड कर रहा है,
सब लोग गाउन ग्लव्स मास्क सब पहन के उसको अटेंड करना है। स्क्रीनिंग फोर ले ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन हाई रिस्क पेशेंट, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनमें हम स्क्रीनिंग करेंगे बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई की। प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक एट द टाइम ऑफ सिजेरियन, सिजेरियन के टाइम पे हम अगर सिजेरियन है तो एंटीबायोटिक्स जो है हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड कराएंगे। पोस्टमार्टम के अंदर असेप्टिक प्रिकॉशंस फॉर एटलीस्ट वन वीक फॉलोइंग डिलीवरी, एक डिलीवरी के एक वीक तक कम से कम असेप्टिक प्रिकॉशंस रखेंगे। टू मैनी विजिटर्स आर रेस्ट्रिक्टेड, ज़्यादा लोगों को अपन आने जाने नहीं देंगे, विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। स्टरलाइज्ड सैनिटरी पैड्स आर टू बी यूज, सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना है। इन्फेक्टेड बेबीज एंड मदर शुड बी आइसोलेटेड रूम, शुड बी इन आइसोलेटेड रूम। अगर मदर या बेबी कोई भी इन्फेक्टेड है तो उसको अलग से आइसोलेट करना है रूम में। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट, जनरल केयर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करना है। एडिक्वेट फ्लूड एंड कैलोरीज इज सप्लाइड, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूड और कैलोरीज को देनी है। एनीमिया इज करेक्टेड बाई ओरल आयरन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनीमिया को करेक्ट करना है आयरन की टैबलेट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। पेन इज रिलीव्ड बाई एडिक्वेट एनाल्जेसिक्स, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो एडिक्वेट एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराने हैं। एंड इंडवेलिंग कैथेटर इज यूज टू रिलीव यूरिन रिटेंशन एंड रिकॉर्ड यूरिनरी आउटपुट, अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो इंडवेलिंग कैथेटर के द्वारा ब्लैडर को एम्प्टी करना है और यूरिन आउटपुट को रिकॉर्ड करना है। मॉनिटर वाइटल्स, लोचिया डिस्चार्ज एंड फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करना है। लोचिया या जो डिस्चार्ज हो रहा है उनका और जो फ्लूड का इनटेक और आउटपुट है वो हमें रिकॉर्ड करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, आइडियल एंटीबायोटिक रेजिमी शुड डिपेंड ऑन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, आइडियल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डिपेंड करेंगे कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट के ऊपर कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज़ कंडीशन हो रही है। इसके अंदर जो है मेनली जेंटामाइसिन 2 mg पर के जी आई वी लोडिंग डोज फॉलोज बाई 1.5 mg पर के जी आई वी एवरी 8 आवर। जेंटामाइसिन जो कि हम 2 mg पर के जी वेट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आई वी दे सकते हैं और हर 8 घंटे के अंदर हमें देनी है। एम्पीसिलिन 1 gram आई वी एवरी 6 आवर, एम्पीसिलिन 1 gram आई वी हर 6 घंटे में देनी है। सेफोटेक्सिन 1 gram आई वी 8 आवरली, सेफोटेक्सिन जो है 1 gram वो आई वी हर 8 घंटे में देनी है। मेट्रोनिडाजोल 0.5 gram आई वी 8 आवर, 0.5 gram जो है वो हर 8 घंटे में आई वी अपन को देनी है। जो ट्रीटमेंट है वो कम से कम हमें 7 to 10 days तक करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, देयर इज़ वेरी लिटिल रोल ऑफ मेजर सर्जरी इन ट्रीटमेंट ऑफ प्यूपेरियल सेप्सिस, अगर प्यूपेरियल सेप्सिस के अंदर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत कम किया करना पड़ता है। पेरिनियल वुंड अगर है तो द स्टिच ऑफ पेरिनियल वुंड मे बी रिमूव्ड टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ पस, रिलीव पेन, ड्रेस्ड विद हॉट कंप्रेस एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। पेरिनियल वुंड जो है, अगर पेरिनियल वुंड है तो उस पेरिनियल वुंड जो स्टिचेज हैं पहले उनको रिमूव करेंगे, उसमें से पस जो है उसको पहले अपन ड्रेन करेंगे और जब पेन रिलीव हो जाएगा उसके बाद हम हॉट कंप्रेस करेंगे और माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे, फिर हम उसकी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करेंगे। रिटेन यूटेराइन प्रोडक्ट। सर्जिकल इवैक्यूएशन आफ्टर एंटीबायोटिक कवरेज फॉर 24 आवर इज डन टू अवॉइड द सेप्टिसीमिया, अगर यूट्रस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट रह गया है जैसे कि बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन रिमेन रह गए तो उस कंडीशन के अंदर हम सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे एंटीबायोटिक देने से पहले। पेल्विक एप्सेस शुड बी डिजाइन बाई क्लोपोटोमी अंडर यूएससी गाइडेंस, अगर पेल्विक एप्सेस है तो क्लोपोटोमी अपन करेंगे अंडर द यूएससी गाइडेंस। लेप्रोटोमी, एप्सेस अबव द टू पार्ट्स लिगामेंट शुड बी इंसाइज्ड एंड द पस ड्रेन, अगर लेप्रोटोमी के थ्रू अपन पस को ड्रेन करेंगे और पार्ट लिगामेंट जो है के ऊपर अगर एब्सेस है तो और उसको इंसाइज करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूपेरियल इन्फेक्शन जेंटामाइसिन शुड बी गिवन एज, जेंटामाइसिन किस तरीके से दी जाती है, 2 mg पर के जी इन एवरी 8 आवर, 6 mg पर के जी इन एवरी 6 आवर, 1 mg पर के जी इन एवरी 2 आवर, 1 mg/kg इन एवरी 8 आवर। तो इसका सही आंसर है 2 mg पर के जी इन एवरी 8 आवर। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 33 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन,
कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेल्विक एप्सिस, पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसीमिया, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस एंड एंडोटॉक्सिन शॉक जो है वो डेवलप हो सकता है मदर के अंदर. नेक्स्ट वन इज प्यूपेरियल पायरेक्सिया. प्यूपेरियल पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ ए फीवर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फारेनहाइट इन ए वूमन विद 6 वीक ऑफ हर हैविंग गिवन बर्थ. इट इज नोन एज चाइल्ड बर्थ फीवर. प्यूपेरियल पायरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि मदर को डिलीवरी के बाद विद इन द 6 वीक ऑफ डिलीवरी मदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जो कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उसके बराबर या उससे ज़्यादा या फिर 100.4 डिग्री फारेनहाइट उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है. इसको हम चाइल्ड बर्थ फीवर भी बोलते हैं. ए राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग 100.5 डिग्री फारेनहाइट और मोर ऑन टू सेपरेट ओकेजन एट 24 आवर अपार्ट विद इन द फर्स्ट 10 डेज फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड प्यूपेरियल पायरेक्सिया. जब बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फारेनहाइट पे दो या दो से ज़्यादा बार 24 आवर के अंदर बढ़ा हुआ दिखता है विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ डिलीवरी तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्यूपेरियल पायरेक्सिया. यहाँ एक क्वेश्चन है, इन प्यूपेरियल पायरेक्सिया बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन और इक्वल टू ऑप्शन ए 99.9 फारेनहाइट, 100.4 डिग्री फारेनहाइट, 104 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट. तो आंसर है इसका 100.4 डिग्री फारेनहाइट. इसके लिए आप स्लाइड नंबर 39 रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉजेज. प्यूपेरियल इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं प्यूपेरियल पायरेक्सिया के. प्यूपेरियल सेप्सिस. प्यूपेरियल सेप्सिस की वजह से इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी प्यूपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है. यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूटीआई है तो उसकी वजह से भी प्यूपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है. मैस्टाइटिस, अगर ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकता है. इन्फेक्शन ऑफ सिजेरियन सेक्शन वुंड, अगर सिजेरियन सेक्शन वुंड के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो पायरेक्सिया डेवलप हो सकता है. पल्मोनरी इन्फेक्शन है, एटिलेक्ट्रेसिस है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस की कंडीशन है तो उसमें भी प्यूपेरियल पायरेक्सिया डेवलप हो सकता है. ए रिक्रूडेंशियल ऑफ मलेरिया और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नॉट अनकॉमन इन ट्रॉपिक्स. अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या मलेरिया है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है. एंड अननोन ओरिजन या फिर विदाउट एनी रीजन भी है जो है प्यूपेरियल पायरेक्सिया डेवलप हो सकता है ड्यू टू द डिलीवरी. मैनेजमेंट, आइसोलेशन, मदर को अपन आइसोलेशन के अंदर रखेंगे. हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग मेंटेन करेंगे. पेशेंट प्लेस इन फाउलर पोजिशन टू फैसिलिटेट ड्रेनेज. पेशेंट को फाउलर पोजिशन के अंदर रखेंगे और फैसिलिटेट करेंगे ड्रेनेज अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन शो हो रहा है तो, कहीं कहीं पे अगर कोई पस फॉर्मेशन या कोई ड्रेनेज है तो. एजुकेशन ऑफ पेशेंट ऑन हैंड वॉशिंग एंड पेरिनियल केयर, मदर को हैंड वॉशिंग के बारे में और पेरिनियल केयर के बारे में बताएंगे. इमोशनल सपोर्ट, मदर को इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे. चेक द वाइटल साइंस टाइम टू टाइम, मदर के वाइटल साइंस है उसका टेम्परेचर जो है वो हम चेक करते रहेंगे. मेंटेन द फ्लूड इनटेक और एंड आउटपुट, मदर का जो फ्लूड है वो इनटेक और आउटपुट हम मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे. सफिशियंट रेस्ट इज इन्फोर्स्ड बाय एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स. सफिशियंट अपन एनाल्जेसिक्स जो है वो मदर को प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि मदर को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो तो उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें. एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक abnormalities of puparium in which we have included two topics puparial sepsis and puparial pyrexia. तो यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं इस topic से related, वो हम देख लेते हैं. Question 1, in a mother with diabetes mellitus possibility of which complication is more after the delivery, pregnancy induced hypertension, postpartum hemorrhage, postpartum mastitis, increased insulin needs. The answer is postpartum hemorrhage. Which of the following assessment finding would be nurse expect if the client developed DVT, mid-calf pain, tenderness and redness along with the vein, chills, fever, malaise occurring 2 weeks after delivery, muscle pain and the presence of homing sign and swelling in the affected limb, chills, fever, stiffness and pain occurring 10 to 14 days after delivery. The answer is muscle pain in the presence of homing sign and swelling in the affected limb. Question 3. Which assessment is done at regular on postpartum mother?
पैटेलर रिफ्लेक्स, होमेन साइंस, बारबिंस्की साइंस एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। आंसर इज होमेन साइन। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ यूट्राइन इन्फेक्शन इज फाउल स्मेलिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, पेन एट द साइट ऑफ एपिसोटोमी, डार्क ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमन। आंसर इज फाउल स्मेलिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। इन टॉर्च इन्फेक्शन एच वट रिप्रेजेंट विच डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, एच आई वी, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। द आंसर इज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। विच ऑर्गनिज्म इज लीस्ट रेस्पॉन्सिबल इन प्यूपेरियल इन्फेक्शन, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, एंटीरोकोकस, क्लैमाइडिया, ट्रेकोमोनाइटिस एंड माइकोप्लाज्म। द आंसर इज माइकोप्लाज्म। ए पेशेंट कम टू द क्लिनिक बिकॉज ऑफ फीवर 4 days आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, विच परसिस्ट 72 hours फ्रॉम एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, विद वट इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ एंटीबायोटिक फेलियर, वुंड इन्फेक्शन, पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एड्रीनल इन्फेक्शन। आंसर इज वुंड इन्फेक्शन। वट इज रॉन्ग अबाउट प्यूपेरियल इम्यूनाइजेशन, टिटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज एडवोकेटेड, ए वोमन ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंजेक्टेड मीजल्स वैक्सीन डज नॉट नीड ए बूस्टर डोज, RH negative woman with an RH positive newborn should take RHOgram, women who have never taken rubella vaccine should be vaccinated. The answer is a woman already injected measles vaccine does not need a booster dose. Which is wrong about fever after delivery? Fever more than 39 degrees in the first 24 hours after delivery is a sign of severe infection. Fever in bacterial mastitis usually in late and persistent. Pulmonary infection usually occur in the first 24 hours mostly after cesarean section. Pyelonephritis is one of the most common reason of infection and is most often mistaken for pelvic infection. The answer is pyelonephritis is one of the most common reason of infection and is most often mistaken for pelvic infection. What is true about lactation period mastitis? It occur in last day of first week. Most of time it is bilateral. Nose and throat of newborn is the source of infection. It is mostly a result of coagulus negative steps. The answer is nose and throat of newborn is source of infection. यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।